सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। केंद्र ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच 11 स्थाई जजां दी नियुक्ति दा नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत के चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कलेजियम वालों 14 सितंबर को की गई सिफारिशों पर यह कदम चुकया गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के कलेजियम वालों 20 मई को सर्वसम्मति नाल इन्हां नावां लई सिफारिश नूं अगे वधाउण दे बाद सुप्रीम कोर्ट कलेजियम इन्हां दी नियुक्ति दी सिफारिश की सी। जिक्रयोग है कि जजां दी नियुक्ति विच देरी ते नाराजगी जाहिर करदे हुए सुप्रीम कोर्ट नूं कहा गया सी कि कलेजियम दीआं 70 सिफारिशां केंद्र सरकार कोल पेंडिंग ने। सर्वोच्च अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंग टर्मनी नूं कहा कि वह इस मुद्दे का हल कढ़न दा यत्न करन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह की जयंती से उन्होंने श्रद्धांजलि देंदे कहा कि हमेशा न्याय से आजादी लिए भारत की लगातार लड़ाई का प्रतीक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स से कहा कि श्री भगत सिंह उन्हां दी जयंती से याद कर रहे हैं। भारत की आजादी लिए उन्हां दा बलिदान ते टुट समर्पण पीढ़ियां तक प्रेरित करता रहेगा। साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में हमेशा न्याय से आजादी लिए भारत की लगातार लड़ाई का प्रतीक बने रहेंगे। ब्रिटिश शासकों ने 1931 च 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी सी। फांसी तो पहले उन्होंने साहस से बलिदान की भावना से उन्होंने आदर्शों ने उन्होंने आजादी अंदोलन के सब तो लोकप्रिय नायकों में एक बना दिया। मणिपुर दो विद्यार्थियों की मौत को लेकर सवेर भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। इंफाल वेस्ट हिंसक भीड़ ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर च भनतोड़ की ते दो वाहनों अग के हवाले किया। दरअसल मणिपुर च विद्यार्थियों की अगवाई में हिंसा मंगलवार को शुरू हुई। उदो जुलाई च लापता हुए एक मुंडे ते कुड़ी दी लाशां तस्वीरां सोशल मीडिया से वायरल हुई। अधिकारियों ने दस्सिया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा दस्तियां नूं रिहायशी इलाकों च एंटर करन तों रोकण लई टायर साड़ के सड़कां नूं ठप कर दित्ता। उन्होंने दस्सिया कि भीड़ ने डीसी दफ्तर च भनतोड़ की 2-4 पहिया वाहनों नूं भी फूंक दित्ता। मणिपुर से चल रहे हिंसा दरमियान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्थिति को संभालने लिए सीनियर आईपीएस अधिकारी राकेश बलवाल को मणिपुर भेजे। जुलाई में लापता हुए दो विद्यार्थियों की बेरहमी से हत्या के बाद मणिपुर में एक बार फिर हिंसा पड़ गई है। सुरक्षा बलों की विद्यार्थियों से स्थानक लोगों से झड़प हुई जिस तो बाद आरएएफ ने लाठीचार्ज किया। इस 45 लोग जख्मी हुए। गृह मंत्रालय वालों जारी हुक्म अनुसार राकेश बलवाल को समय तो पहले उसके जद्दी राज वापस भेज दिया गया। उसने 2021 के खेत श्रीनगर के एसएसपी वजो अहुदा संभालिया। पंजाब सरकार ने नवनियुक्त 710 पटवारियों का वित्तीय पता 5000 तो बढ़ा के 18000 प्रति महीना कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ दिन पहला जिहा भरोसा पटवारियों दिता सी। पंजाब सरकार दे मालिया ते मुड़ वसेवा विभाग ने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया। घट राशि ट्रेनिंग दौरान ही दी जाणी सी जो हुण तब्दील होकर सोधे रूप च पटवारियों दी जाएगी। पटवारियों के चल रहे अंदोलन लैके सरकार ने जिहा फैसला लिया। पाकिस्तान विच वादी महंगाई ते रोजगार दी घाट कारण उत्थों दे लोक अपना गुजारा चलाउण लई भीख मंगण लई मजबूर ने ते ज्यादातर लोक अरब देशां च भीख मंग के अपने रोजगार नूं प्रफुल्लित कर रहे ने। इस समय 10 लाख दे करीब पाकिस्तानी लोक विदेशां च ने जिन्हां चों 80% तों ज्यादा लोक भीख मंग रहे ने। पाकिस्तान अत्तवादी नर्सरी वजों दुनिया भर च प्रसिद्धि हासिल कर चुके। पता लग्गिया कि विदेशां च फड़े गए भिखारियों तों लगभग 90% पाकिस्तान दे नागरिक ने ते पाकिस्तान दे नागरिक खास तौर ते अरब देशां च भिखारी वजों रोजगार प्राप्त करन लई जा रहे। बीते दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर कनेडा से पलटवार किया। जयशंकर ने न्यूयॉर्क काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन चर्चा दौरान खालिस्तानी वक्फवादी निजर की हत्या च भारत की शमूलियत के कनेडा के दोषों से कहा कि नवी दिल्ली ओटावा दस चुका है कि वह भारत सरकार की रणनीति नहीं है। वह इस मामले च प्रमुख से प्रसंगिक सूचना से विचार करने लिए तैयार है। एस जयशंकर ने कनेडियन पक्ष को खालिस्तानी आगू निजर की हत्या बारे विशेष जानकारी देने का भरोसा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस मामले च जांच सहयोग देने लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सम्मान दे विच एक सांसदी समागम च एडोल्फ हिटलर दी नाजी फौजां दे एक साबका फौजी दे शामिल होने तो बाद कनेडा की तरफों मुआफी मंगी। ट्रूडो ने पत्रकार नूं दित्ते एक संखेप बयान च कहा कि असीं सारे जो शुक्रवार नूं इस सदन च सी उन्हां नूं खड़े होण ते ताणियां वजाउण लई बहुत अफसोस है। भावें कि असीं संदर्भ तों अनजाण हां, ट्रूडो ने मन्निया कि इस घटना नाल कतलेआम च मारे गए लखां लोकां दी आत्मा नूं डूंघी सेज पहुंची है। कांग्रेस की जनरल सकत्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के उज्जैन एक कुड़ी नाल जबर जनाह की घटना लेकर राज की भारतीय जनता पार्टी सरकार से निशाना विनिया ते दोष लाया कि भाजपा के 20 साल के कुशासन च बच्चियां औरतां आदिवासी दलित कोई सुरक्षित नहीं है। उज्जैन शहर च 12 साल एक कुड़ी सड़क से खून नाल लथपथ हाल च मिली है ते मेडिकल जांच उस नाल जबर जनाह किए जाने की पुष्टि हुई है। प्रियंका ने एक्स से पोस्ट किया, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन एक छोटी बच्ची नाल बेरहमी आत्मा झंझोड़ देने वाली। उन्होंने दोष लाया कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था से महिला सुरक्षा भाजपा के 20 साल के कुशासन तंत्र च बच्चियां औरतां आदिवासी दलित कोई भी सुरक्षित नहीं।
राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन ने ट्रांसजेंडर की भलाई बारे केंद्र ते सूबे नूं एडवाइजरी जारी की है। कमिशन ने जारी एडवाइजरी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों नूं सिख्या से सहूलतां कानूनी सुरक्षा भेदभाव ते शोषण तो छुटकारा ते रोजगार के मौके यकीनी बनाने बारे कई सिफारिशां कीतीआं ने। कमिशन वल्लों कीती गई सिफारिशां च सरकारी मुलाजम के इकलौते ट्रांसजेंडर बच्चे ने परिवारिक पेंशन ते होर फायदियां लई अनव्याही धी दे बराबर मने जाण ते जद्दी खेती जमीन च उत्तराधिकार दिता जाणा शामिल है। कमिशन ने केंद्र ते सूबियां तो दो महीने च एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निवास की उसारी विच कथित बेनीमिया की जांच नवा मोड़ सामने आया। हुण इस मामले की जांच सीबीआई की भ्रिष्टाचार रोकू शाखा ने इस मामले लोक निर्माण विभाग को पत्र लिख के इस संबंधी सारे दस्तावेज मंगे। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सारे दस्तावेज किसी भी हालत में 3 अक्तूबर तक सीबीआई हैडक्वार्टर पहुंचाने लिए किया गया। सीबीआई का पत्र पीडब्ल्यूडी हैडक्वार्टर प्राप्त हुए सीबीआई ने इस संबंध में मामला भी दर्ज किया। चंडीगढ़ पूरे देश में सर्वोत्तम केंद्र शासित प्रदेश का अवार्ड दिया गया। पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में आयोजित एक प्रोग्राम दौरान दिया। वास्ते शहरी मामले के मंत्रालय ने 25 अगस्त को स्मार्ट सिटी अवार्ड मुकाबले 2022 का ऐलान किया। इस विच चंडीगढ़ कई वर्गों में पहले स्थान पर रहा। चंडीगढ़ ने ई गवर्नेंस श्रेणी में भी टॉप किया। चंडीगढ़ में सफाई में कूड़ा चुकने में तीसरा स्थान। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कहा कि पत्नी अपने पति की सहमति ले बिना कोई भी जायदाद बेच सकती है बशर्ते वह जायदाद उसके ना हो। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हेठली अदालत के हुक्मों भी रद्द किया। कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस हरीश टंडन जस्टिस प्रसेनजीत विश्वास की बेंच ने एक औरत की पटीशन से सुनवाई करते कहे कि पत्नी पति की जायदाद वांग नहीं मनिया जा सकता ना ही उस तो यह उम्मीद की जा सकती है कि अपनी जिंदगी के हर फैसले में अपने पति की मंजूरी दे। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित एक बार मुड़ सरहदी खेतर के दौरे से जा रहे हैं। राज्यपाल का यह दौरा 4 से 6 अक्तूबर दरमियान होगा। इस तो पहला गवर्नर 4 महीने पहला बॉर्डर एरिया च गए सन। अक्तूबर महीने की विजिट संबंधी सूबे के चीफ सैकटरी के डीजीपी जानकारी भेज दी गई है। राज्यपाल के दौरे संबंधी सरहदी जिले के डीसी एसएसपी से पुलिस कमिश्नर अलर्ट करने के हुक्म जारी किए गए। राज्यपाल अपने 3 दिन दौरे दौरान कई जिले के सिविल से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा पिंडों के सरपंचों आम लोगों से मुलाकात करके स्थिति बारे जानकारी हासिल कर। विजिलेंस वालों प्लाट घोटाले के मामले च नामजद किए गए पंजाब के सबका वित्त मंत्री मनप्रीत बादल गिरफ्तारी का डर सता रहा। लगातार स्थान बदल रहे हैं। सूत्रों मुताबिक मनप्रीत बादल उक्त मामले च अदालत तो राहत मिलने तक रुपोश रहना चाहते हैं। सरकारी सूत्रों अनुसार प्लाट घोटाले च फड़े गए राजीव कुमार अमनदीप सिंह ते विकास अरोड़ा ने मुढ़ली पुछगिछ दौरान विजिलेंस को अहम खुलासे किए ने। इस कारण विजिलेंस मनप्रीत बादल गिरफ्तार करके पुछगिछ करना चाहती है। सूत्रों मुताबिक अजे तक इस मामले में मनप्रीत बादल की सीधी शमूलियत के सबूत विजिलेंस के हाथ नहीं लगे ने पर उन्हों का करीबी यह सब संभाल दस। फिलहाल स्पीड न्यूज बस इना ही मैनू दियो इजाजत धन्यवाद।